दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती रिलेशनशिप में थे या नहीं, वो सुशांत की मौत से पहले तो साबित नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर खुलेआम ये बता दिया था कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है और उनसे बहुत प्यार करती है। लेकिन अब इन दोनों की लव स्टोरी में फरेब और जालसाजी का ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के पिता के रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR के बाद से ये लव स्टोरी हेट स्टोरी में बदल गई है। जी हाँ, रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इसके अलावा रिया पर उनके पैसों के साथ धोखाधड़ी करने, उनका ब्लैक मैजिक करने और उन्हें धमकी देने समेत कई आरोप लगे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुशांत की रिया संग प्रेम कहानी का इतना खौफनाक अंजाम होगा। चलिए जानते हैं कि कैसे शुरू हुई थी दोनों की ये लव स्टोरी। ये भी इत्तेफाक है कि जब तक सुशांत जिंदा थे तब तक उनकी लव स्टोरी दुनिया से छिपी रही। हालांकि दोनों के प्यार में होने की अटकलें तो थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया था। रिया ने सुशांत की मौत के बाद उनके साथ लिव इन में रहने और उनकी गर्लफ्रेंड होने का खुलासा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत और रिया पहली बार साल 2013 में मिले थे। तब सुशांत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया फिल्म मेरे डैड की मारुति पर काम कर रही थी। कहा जाता है कि दोनों की फिल्मों के सेट आसपास थे और इसी दौरान सुशांत और रिया की मुलाकात थी। इसके बाद सुशांत और रिया कई पार्टियों में मिले और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई। इस दौरान सुशांत एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे और खबरें थी कि जब सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आई तब उनके और अंकिता के बीच तनाव चल रहा था। इसी वजह से सुशांत रिया के करीब आते गए और दोनों की मुलाकातें और बातचीत बढ़ने लगी। बाद में सुशांत का अंकिता संग ब्रेकअप हो गया और दोनों का 6 साल पुराना रिश्ता टूट गया। हालांकि कभी दोनों शादी तक करने वाले थे तो रिया और सुशांत का साथ में घूमना, फिरना, हैंगआउट करना उनके रिश्ते की सच्चाई बयां करता है। सुशांत की मौत के बाद रिया ने सोशल मीडिया पर बताया था कि सुशांत ने ही उन्हें प्यार पर भरोसा करना सिखाया था। अब रिया पर सुशांत के करीबी और परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जब से वो सुशांत की जिंदगी में आई है वो पूरी तरह बदल गया। सुशांत घर वालों और दोस्तों से कम बातचीत करते थे। सुशांत बार बार नंबर भी बदलते थे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 साल से रिया के साथ रिलेशनशिप में रहे सुशांत काफी बदल गए थे। 1.5-2 साल में वो अकेले हो गए और जबकि उससे पहले वो बहुत खुश मिजाज हुआ करते थे। लेकिन सुशांत के पिता KK सिंह के खुलासे के बाद रिया की सुशांत के साथ ये लव स्टोरी हिट स्टोरी में बदल गई।